खबर चमोली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय से है, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है। बता दें कि एनएसयूआई कार्यकर्ता गोपेश्वर महाविद्यालय को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर घोषित करने की मांग, शासन आदेश जारी करने और एनसीसी कैडेट के लिए परेड ग्राउंड समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष को बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया और मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन भी दिया है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि सूबे की सरकार जानबूझकर गोपेश्वर महाविद्यालय को पूर्व में श्री देव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर घोषित करने के बावजूद भी अभी तक शासन आदेश जारी नहीं किया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। सरकार ने जानबूझ करके इस शासनादेश को रोका हुआ है, वो नहीं करना चाहती है। छात्रों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय करना चाहते हैं। यहाँ के बच्चों को जो है दिल्ली जाना पड़ता है छोटी छोटी मांगों के लिए। हमारी ये मांग थी कि जब सिद्धि सुमन का कैंपस खुल गया तो विधिवत रूप से यहाँ पर कार्य प्रारंभ होना चाहिए, परंतु जानबूझ करके मंत्री जी इस काम को नहीं कर रहे, सरकार इस काम को नहीं कर रही। वर्तमान शासन उपाध्याय को पूछा है, हम तो पहले 6 दिन कर्मी कमीशन में बैठे हुए थे, लेकिन शासन जब कर्मी कमीशन पे करने के बावजूद भी महाजन ने हमारी मांगों को सुनने नहीं आई। फिर हमने भूख हड़ताल शुरू की, लेकिन भूख हड़ताल शुरू करने पर भी शासन प्रशासन में जो मेरे साथीदार भूख हड़ताल में बैठे हुए थे उनको जबरन उठाया गया। उसके बाद मैं भूख हड़ताल में बैठा, कल मैं जबरदस्ती जब शासन प्रशासन का एक बार महाजिला में पहुंचा, मैं महाजिला की छत पर चढ़ा, लेकिन तब भी उत्तराखंड सरकार माननीय धन सिंह रावत जी हमारे बीच न पहुंचे। और आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद आई तो वो उधर चले गए, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंस सामूहिक तौर पर होनी चाहिए थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस एबीपी के उधर पर हो रहा है, लेकिन ऐसा भेदभाव धन सिंह रावत